नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिगोरी में 20 बेड का कोविड सेंटर शुरू। खर्रा सिगरेट की हो रही बिक्री, बंगले में चल रही थी शराब पार्टी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दिगोरी में 20 बेड का कोविड सेंटर शुरू। नरसड़ा रोड पर दिगोरी परिसर स्थित रामलीला लॉन में भी 20 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला गया है। मनपा में स्थायी समिति पूर्व सभापति पिंटू झलके ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर कोविड केयर सेंटर प्रमुख तथा महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स सदस्य डॉक्टर मनीष पाटिल, रामलीला लॉन संचालक पंकज चकोले, दीपक चकोले, अनंता बाविस्कर इस कोविड केयर सेंटर में सौम्य व अति सौम्य लक्षण वाले मरीज जिनका सिटी स्कोर 10 से कम था, ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है, ऐसे मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसे मरीजों की सुविधा के लिए डॉक्टर मनीष पाटिल ने नगर सेवक झलके के सहयोग से शुरू किया है। कोविड का बढ़ता प्रकोप देखते हुए जुकाम, खांसी, बुखार रहने पर नागरिकों से कोविड टेस्ट कराने व डॉक्टर से संपर्क कर उपचार कराने का झलके ने आह्वान किया है। तो वही दूसरी ओर खर्रा सिगरेट की हो रही बिक्री। पान ठेले को छूट नहीं दी गई है, लेकिन कुछ इलाकों में बिंदास बिक्री होती नजर आई। गिट्टी खदान, इंदौरा और जरीपट का खामला सहित सिटी के कई इलाकों में पान ठेले वालों ने अपनी दुकानें जरूरत बंद रखी थी, लेकिन सामने में बैठक खर्रा सिगरेट और गुटखा बेखौफ बेच रहे थे। ये भी दो गुने रेट में बिक्री करते देखे गए। इन पर कार्रवाई की जरूरत है। ये भी कोरोना फैलाने में सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। तो वही तीसरी ओर बंगले में चल रही थी शराब पार्टी। रामदास पेट परिसर के एक बंगले में अय्याशी का अड्डा शुरू होने की जानकारी पुलिस को मिली। सीतामढ़ी पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो 7 युवा शराब पार्टी करते मिले। उनके खिलाफ शराबबंदी और आपदा प्रबंधन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। होटल सेंटर पॉइंट के पीछे भारद्वाज परिवार का साई लक्ष्मी निवास नामक बंगला है। प्रेम कुमार शुक्ला नामक युवक यहाँ किराए से रहता है। परिसर के नागरिक यहाँ चलने वाले गतिविधियों से परेशान थे। यहाँ अक्सर युवाओं की पार्टी चलती है। परिसर के नागरिकों को शक था कि यह सेक्स रैकेट और ड्रग पार्टी चलती है। शनिवार रात एक नागरिक ने इसकी जानकारी सीतामढ़ी के थानेदार अतुल सबनीस को दी। उन्होंने तुरंत एपीआई किशोर शेर की और उनके दल को कार्रवाई के लिए भेजा। पुलिस का छापा पड़ते ही युवाओं का नशा उतर गया। 6 युवक और एक युवती शराब के नशे में मस्त थे। पाबंदी के बावजूद प्रेम कुमार ने अपने दोस्तों को यहाँ पार्टी करने बुला रखा था। नागरिकों का कहना है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में हमेशा यह युवाओं की पार्टी होती है। बाहर से युवक युवतियाँ परिसर में आते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।